Hello everyone, welcome to Team IELTS Stream. I'm RP and you are watching the IELTS Listening Test channel. I'm super excited to tell you that on your demand we have started a series of writing task 2. And if you are looking for a video which can help you to score 7 plus band in writing task 2 in writing, this video is for you. So are you ready? Here we go. So this is your writing topic of today. That is, many people believe that today there is a general increase in anti-social behavior and lack of respect for others. What might have caused this situation and how to improve it? So I always advise my student to read statement, to read your topic properly and don't start writing abruptly or immediately. I mean, आपने बिल्कुल भी जो है वो एकदम स्टार्ट नहीं करना. यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको अच्छी तरह से आपका जो इंट्रोडक्शन जो स्टेटमेंट है वो अच्छी तरह से समझें एंड देन स्टार्ट. एंड सो मैनी पीपल बिलीव दैट टूडेज देर इज अ जनरल इंक्रीज इन एंटी सोशल बिहेवियर. एंटी सोशल बिहेवियर मीन इट मीन अगेंस्ट सोसाइटी एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर आर सोसाइटी. एंटी सोशल मीन्स हमारी सोसाइटी के जो खिलाफ है एक तरह से, विच इज़ नॉट गुड फॉर आर सोसाइटी. सो उसमें जो इंक्रीज हो रही है, उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है. एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और जो है पीपल डोंट रिस्पेक्ट अदर्स. सो दिस इज़ आर टॉपिक, ये हमारा टॉपिक है. व्हाट माइट हैव कॉज दिस सिचुएशन, मीन इट कॉज मीन आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड ईजिली. सो कॉज एंड हाउ टू इम्प्रूव इट, मीन वट कैन वी डू टू सॉल्व इट, मीन इसके कॉज क्या हैं, रीजन क्या हैं, कारण क्या हैं, एंड वट आर द सोल्यूशंस, उसके सोल्यूशंस क्या हैं. सो आई होप यू गॉट द स्टेटमेंट नाउ. एंड दिस इज हाउ आई हैव रिटन इंट्रोडक्शन. लाइक इन दिस मॉडर्न सिनेरियो बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी एंड ट्रेड्स ऑफ एन इंडिविजुअल. सो दिस इज हाउ आई हैव स्टार्टेड जनरल स्टेटमेंट. सो ये हमारा पहला सेंटेंस है एज ए जनरल स्टेटमेंट. और बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी. रिफ्लेक्ट मीन्स शोज, मीन दिखाता है पर्सनैलिटी. एंड ट्रेड्स मीन क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी बिहेवियर से हमें पता चलता है कि किस तरह का जो है वो इंडिविजुअल है वो. प्रेजेंटली प्रोपोर्शन ऑफ सोसाइटी डोमिनेट्स दैट सोशल बिहेवियर एंड वर्च्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एंटी सोशल बिहेवियर इंस्टेड ऑफ रिसिप्रोकेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. सो सी अ प्रोपोर्शन ऑफ सोसाइटी मीन अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, मीन सोसाइटी का जो एक भाग है. रूमिनेट्स मीन थिंग, इन थिंग की बजाय आप रूमिनेट्स यूज करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प यू एक्सटेंड योर स्कोर. रूमिनेट्स मीन थिंक, मीन सोचना. दैट सोशल बिहेवियर एंड वर्च्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एंटी सोशल बिहेवियर्स इंस्टेड ऑफ रिसिप्रोकेटिंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. मीन दूसरों से हम रिस्पेक्ट लेने की बजाय अगेन रिसिप्रोकेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम, यानी लेना. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी इफ यू वॉन्ट टू स्कोर 7+. रिसिप्रोकेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम, वेरी नाइस फ्रेजल वर्ब. And last sentence of introduction is, this essay would analyze a few causes of this phenomenon. So a few mean some, yani kuch causes. Phenomenon mean incident, means ghatna, mean jo bhi antisocial behavior hai or lack of respect. And suggest some ways to ameliorate the situation. Ameliorate mean to improve, mean is situation ko sudharne ke liye, mean hame kya jo hai wo ways jo hai, kya tarike, kya steps hame uthane chahiye. So it's a very nice way to write introduction. And now this is how I have written main body paragraph 1. The most contributing factor is the infiltration of technology. Mean kyon jo hai wo hamara ye hamara general jo topic hai, statement hai ki why it is increasing antisocial behavior, why antisocial behavior is increasing and why people don't respect others. So what are the reasons? So yani pehle paragraph mein main aapko batane wala hu ki iske reasons kya hai. So the most contributing factor is the infiltration of टेक्नोलॉजी इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. यानी सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जो बढ़ावा देने वाला है, वो है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. यानी टेक्नोलॉजी ने जो है वो एक तरह से घुसपैठ कर रखी है. टेक्नोलॉजी का जो है वो हमारे अंदर तक घुस गई है और इट इज़ हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अस. एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ इट मीन हर एक क्षेत्र में. Encouraging millennial mean न्यू जनरेशन, जो आज की जो जनरेशन है, जो मॉडर्न स्टूडेंट हैं या मॉडर्न जो जनरेशन है,
उसको एनकरेज करते हैं वो जो टेक्नोलॉजी है टू यूज़ गिजमोज एक्सेसिवली, और वो बहुत ज़्यादा जो है गिजमोज का जो है इक्विपमेंट है या मोबाइल फ़ोन वगैरह है उनका यूज़ करते हैं। दे स्टे ग्लूड विद सोशल मीडिया, इट्स वेरी नाइस फ्रेज, स्टे ग्लूड विद सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सोशल मीडिया का। वी आर फेक एंड पोलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज रीशेप दैट इन टू सेल्फ सेंटर्ड, जहाँ फेक इट मीन कि जो वहाँ पर जो न्यूज़ है वो फेक है, मतलब रियल नहीं है, नॉट रियल, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, उनके पीछे जो है वो पॉलिटिक्स होती है। रीशेप देम इनटू सेल्फ सेंटर्ड, और उनके कारण जो है वो सेल्फ सेंटर्ड बनते जा रहे हैं, एंड मेक देम मेंटली इल, और वो जो है मेंटली भी जो है वो इल हो रहे हैं। इसका मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा घुसपैठ कर दी है। स्टिफ कॉम्पिटिशन, डिग्रेडेशन ऑफ फैमिलीज एंड रैट रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली एंड मीट देयर डिमांड आर अदर क्रिटिकल रीजन। तो ये दूसरा रीजन मैंने बताया है कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, स्टिफ कॉम्पिटिशन, डिग्रेडेशन ऑफ फैमिली इट मीन ब्रोकन ऑफ फैमिली, पहले जो है वो वी हैड यू नो जॉइंट फैमिली, जो पहले जॉइंट फैमिली थे, लेकिन आजकल हमारे पास जो है वो ब्रोकन फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है। और ये भी एक रीजन है क्योंकि पेरेंट्स जो है आर बिजी विद देयर जॉब, और रैट रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी सपोर्ट देयर फैमिली और मीट देयर डिमांड्स, वेरी नाइस फ्रेज, क्योंकि उनको जो है लोगों की फैमिली की जो है वो सपोर्ट करनी होती है, उनकी डिमांड को पूरा करना होता है। सो दीज आर अदर क्रिटिकल रीजन्स। द मासेस आर कॉन्सिक्वेंटली टर्निंग मनी माइंडेड, यानी मासेस यानी लोगों की जगह, पीपल की जगह पे मैंने मासेस यूज़ किया, दैट्स फाइन, मैसेज यू कैन यूज इट, आर कॉन्सिक्वेंटली टर्निंग मनी माइंडेड, इसका रिजल्ट ये है, इन सब का जो है ये रिजल्ट ये है कि वो मनी माइंडेड बन रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक बन रहे हैं, एंड डिसरिस्पेक्टफुल विद देयर एल्डर्स, और अपने एल्डर्स की जो है रिस्पेक्ट करनी वो भूल गए हैं, फॉरगेटिंग देयर रिलेशनशिप एंड ह्यूमैनिटी, और इवन जो है उनको रिलेशनशिप क्या कैसे रिलेशनशिप हमने अपने एल्डर्स के साथ होने चाहिए, दे आर फॉरगेटिंग अबाउट इट, और ह्यूमैनिटी क्या चीज़ है, दे आर फॉरगेटिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मोर एंड मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ यंगस्टर्स इन द इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट, रेप, ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज टेंजिबल एग्जाम्पल टू प्रूव माई पॉइंट। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, दिस इज हाउ यू कैन गिव एग्जाम्पल। सो पूरे में आप देखेंगे एंड मोर एंड मोर इन्वॉल्वमेंट यंगस्टर्स इन इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट, रेप, ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, मतलब तस्करी जिसको हम बोलते हैं, यानी ड्रग की जो तस्करी है या जो ह्यूमन जो तस्करी है, उसमें जो है यंगस्टर यंग लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक एग्जाम्पल है टू प्रूव माई पॉइंट, एक प्रूफ है, टेंजिबल एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी नाइस फ्रेज अगेन, जीता जागता एक उदाहरण है, और इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यंग पीपल हैं वो दे आर इन्वॉल्विंग इन दीज एंटी सोशल बिहेवियर। सो यू कैन सी इन माई फुल पैराग्राफ आई हैव रिटन व्हाट आर द रीजन एंड आई हैव गिवन एग्जाम्पल, सो इट्स वेरी नाइस वे टू राइट योर मेन बॉडी पैराग्राफ वन एंड नाउ मेन बॉडी पैराग्राफ टू। सो दिस इज यू नो सेवरल रेमेडियल मेजर्स कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू कॉम्बैट दिस अलार्मिंग इश्यू। सो यहाँ आपको देखिए पता चल रहा है कि मैंने कैसे जो है वो सेवरल रेमेडियल मेजर, इट मीन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोल्यूशंस, कि क्या सोल्यूशंस होने चाहिए एंटी सोशल बिहेवियर और लैक ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स अदर्स। सो सेवरल रेमेडियल मेजर्स कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू कॉम्बैट दिस अलार्मिंग इश्यू। सो बहुत सारे जो रेमेडियल मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं, रेमेडियल मेजर्स एक तरह से जो उनका क्या इलाज हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसके लिए स्टेप्स जो हैं काफ़ी सारे हैं, ताकि इस जो अलार्मिंग इश्यू है, जो बहुत बड़ा इश्यू है, जो खतरनाक इश्यू है, उसे कॉम्बैट किया जा सके, निपटा जा सके। हाउ वी कैन डील विद इट, कैसे निपट सकते हैं उससे। सो ए गुड बिगनिंग मेक्स ए गुड एंड, सो दिस इज इडियम, इट्स वेरी नाइस, इट्स प्रोवर्ब, वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर ऑफ सफरिंग, यानी जो पेरेंट्स हैं उनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने ऑफ सफरिंग मीन चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन की जगह पे यू कैन यूज ऑफ सफरिंग, इट्स वेरी नाइस वे टू इम्प्रूव योर यू नो राइटिंग स्कोर एंड यूजिंग यू नो सिनोनिम्स वर्ड, एंड लेट देम प्ले आउट विद देयर फ्रेंड्स हु इन टर्न विल ऑटोमेटिकली इनकलकेट मॉरल, सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। सो यानी ऑटोमेटिकली वो इस तरह की स्किल अपने आप में डिवेलप करेंगे, इनकलकेट मीन दे विल डिवेलप मॉरल, सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल, बिल्डिंग अप कॉर्डियल एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप विद अदर्स, और वो जो है दूसरों के साथ जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप बना पाएंगे, कॉर्डियल एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप, वेरी नाइस फ्रेज अगेन, दिस इज इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव नाउन कम्बिनेशन, सो वेरी नाइस वे।
Besides mean more over की जगह पे mean besides not again more over so besides you can जो mean इसके अलावा counseling classes on behavior and personality should be made mandatory at school and college level to diminish the problem to a greater level so very nice way कि जो counseling classes हमें start करनी चाहिए कि किस behavior के ऊपर और personality के ऊपर उनको मैंडेटरी बना दें मीन इसेंशियल करें उनको जरूरी बना दें स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल दोनों में तो डिमिनिश द प्रॉब्लम टू ए ग्रेटर लेवल ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक उसको डिमिनिश कर पाएँ कम कर पाएँ एंड दैट इज़ हाउ आई हैव कंक्लूडेड इट सो इन कंक्लूजन आईड लाइक टू रीट्रेट यानी दिस इज़ अ वेरी नाइस वे टू कंक्लूड योर एसे मीन आपके कंक्लूजन एसे का कंक्लूजन जो है एंड करने का दिस इज़ वेरी नाइस वे यू कैन मेमोराइज इट एंड यू कैन राइट इन योर ओन एसे एज वेल सो आईड लाइक टू रीट्रेट दैट इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक अगेन इट्स वेरी नाइस idiom. हार्ड नट टू क्रैक इट मीन वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व यानी जिस काम को करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट उसको हम कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक यानी ये जो मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि दैट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक मीन जो जो प्रॉब्लम है वो डिफिकल्ट है टू सॉल्व मीन देयर फॉर द गवर्नमेंट NGOs प्लस इंडिविजुअल शुड कम फॉरवर्ड एंड शेक हैंड्स विद वन अनदर टू इरेडिकेट दिस इवल सो यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो है जो प्रॉब्लम है एंटी सोशल बिहेवियर और द पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इसलिए जो है हमें गवर्नमेंट को भी NGOs मीन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल मीन हम वी पीपल हम लोगों को भी जो है वो आगे आना चाहिए शेक हैंड हाथ मिला लेना चाहिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए टू इरेडिकेट दिस इवल इरेडिकेट मीन टू एलिमिनेट मीन इसको जो इवल है सोशल इवल है जो सामाजिक बुराई है उसको इरेडिकेट किया जाए एलिमिनेट किया जाए उसको ख़त्म किया जा सके So it's a very nice way to write conclusion. So I hope this video would be extremely helpful for you, beneficial for you. So this is the end of my video, but don't forget to subscribe our channel, like, comment, and press the bell icon so that you can get all notifications of all new videos. So thank you so much and good luck with your art preparation. Bye-bye. See you in my next video.